to the channel if not done please notification i mean bell icon click kar lena so that aapko notification aata rahe jo bhi main nayi cheez aap log ke liye lata raho because this is going to be helpful in paper 2 and paper 6 ibs as well all right guys so तो definitely you have to stay connected also ये मैं जो notes है वो मैं आप लोगों को telegram channel पे share करूंगा तो नीचे comments box में आपको मैं uh, share कर दूंगा मेरे telegram channel का link तो आप लोग को वहां से मिल जाएगा सारे के सारे नोट सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस पर्पजेज तो चलो आओ शुभकाम देवी के इस बात की ओपन कर लो मैजिक बुक अगर आपके पास है तो और नहीं है तो माई सजेशन प्लीज खरीद लेना बिकॉज ऑल द फॉर्मूलाज ऑल द कॉन्सेप्ट एट वन प्लेस अगर आपको चाहिए स्पेशली आपके वो 1.5 पॉइंट फाइव डेज के एग्जाम के रिविजन के लिए देन गाइज दिस इज द बुक फॉर यू ऑल आई सी आई के हिसाब से सारे के सारे फॉर्मूलाज है ये तो खाली एक मैंने एग्जाम्पल लिया है पोर्टफोलियो का forex, और इसी के ऊपर मैंने मेरे यूट्यूबफुल uh, so sure really मैं, uh, करने का भी मैं डिस्क्रिप्शन पे ही कमेंट पे ही लिंक uh, शेयर कर रहा हूँ यू कैन यूज इट चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दैट बेसिकली इज बेस्ड ऑन आर्बिट्राज प्राइजिंग थ्योरी इसको प्यार से क्या गया भाई

Uh, जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पहले मार्कोविच ने निकाला था ठीक है फिर बाद में उसी को और कनेक्ट करते हुए सी ए पी एम थियोरी निकाला विलियम शार्पे ने थीके? जहां पे उन्होंने फोकस किया पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर और बोला कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है मार्केट से कनेक्ट करके बीटा का कॉन्सेप्ट उन्होंने वर्कआउट किया उसी को और इवॉल्व किया एंड एक ऑल्टरनेटिव Uh, बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला निकाला आर्बिट्राज प्राइजिंग मॉडल में रिचर्ड फॉस ऐसा कुछ नाम था उनका ही डेवलप्ड दिस थिंग ही सेड दैट सीएपीएम एक शॉर्ट साइटेड रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यों उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने बोला कि यार सीएपीएम तो खाली फोकस कर रहा है मार्केट के रिटर्न का कनेक्शन विद द पर्टिकुलर शेयर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्फोसिस की बात करता हूं तो इन्फोसिस के शेयर से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए इट विल बी रिस्क फ्री भाई उतना तो चाहिए इन्फोसिस के पास से प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ आर एम माइनस आर एफ क्या है इट इज बेसिकली रिस्क प्रीमियम ठीक है तो जो भी मार्केट रिस्क प्रीमियम तो जो भी मैं मार्केट uh, में इन्वेस्ट कर रहा हूं राइट right, तो मेरे को मार्केट से उतना मिनिमम चाहिए रिटर्न बट मार्केट के साथ यहाँ पे क्या है मैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहा हूं मार्केट तो वो मार्केट से कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है वो मेरे को बीटा के थ्रू पता चलेगा एंड दैट बेसिकली गिवस मी अम्प्रीहेंसिव रिटर्न फॉर सिस्टमेटिक रिस्क जिसको अपन सीएपीएम का एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं बट यहाँ पे ऑर्बिट्राज प्राइसिंग बोलता है कि क्यों खाली मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने का इन्फोसिस का जो इम्पैक्ट है वो तो इन्फ्लेशन से भी कनेक्टेड है वो तो इंडिया की ग्रॉस जीडीपी से भी कनेक्टेड है तो इन्फ्लेशन का नंबर्स अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द इन्फोसिस क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे और ऐसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका सैलरी बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सपेंसिस बढ़ेगा इन्फोसिस का विच विल इम्पेक्ट इट्स प्रॉफिट वो हो गया तो उस हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंपैक्ट करेगा जीडीपी जैसे इंडिया का चल रहा है तो जीडीपी में सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर्स का अगर majority contribution है, which Infosys is, तो उस हिसाब से इंपैक्ट फॉरेक्स का कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो का जो भी रेट uh, डॉलर का ऊपर नीचे हो रहा है दैट विल ऑल्सो इंपैक्ट सो इट इज नॉट ओनली वन which is इज डिपेंडेंट ऑन द निफ्टी और सेंसेक्स द मार्केट के उसके बेसिस पे ही मैं ये डिसाइड करूं के मेरे को एक पर्टिकुलर शेयर से क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो रिस्क फ्री के साथ साथ मार्केट का रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है ही प्लस उसी के साथ साथ के भाई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मेरे कंपनी के ऊपर क्या आ रहा है इंटरेस्ट रेट मार्क भाई आरबीआई का रेगुलरली मॉनेटरी पॉलिसी आता है तो वो इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे होता है तो उसका मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है जैसे बैंक है बैंक्स का इंटरेस्ट रेट से बहुत कनेक्शन है राइट right? सो so, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट आता है तो उससे इंपैक्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट है एंड दैट इज वॉट आर्बिट्राज प्राइजिंग थ्योरी आर्बिट्राज प्राइजिंग मल्टी मॉडल फैक्टर सजेस्ट समझ में आया तुम लोगों को दैट इज द बेस थ्योरी अब इसको पढ़ते हैं एक बार तो एपीटी आप लोग को इन नक्शल अगर मैं बताऊं ना तो इट इज बेसिकली सेम के भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ही फाइंड करना है तो ज प्राइसिंग भी, बट वो बोलते हैं मल्टी बीटा फैक्टर तो और भी है इंपैक्ट मेरे पर्टिकुलर शेयर के ऊपर क्या आता है फिर बाद में इंपैक्ट ऑफ से इन्फ्लेशन या जैसा मैंने बोला इंटरेस्ट रेट आ गया तो ये कंबाइन करके ये कंबाइन करके डिसाइड होता है दैट व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेड रिटर्न अब क्या ये कोई डिफाइंड नंबर है क्या के क्या क्या कंपोनेंट्स लेने हैं जीडीपी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट और फॉरेक्स जैसा मैंने बोला है फिक्स है क्या द आंसर इज नो दैट विल डिपेंड ऑन द शेयर टू शेयर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बैंकिंग शेयर है तो इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट राइट से और कोई जैसे अगर फॉरेक्स की मैं बात करता हूं तो जैसे इंफोसिस की मैंने बात की तो रेट्स आर वेरी so आर्बिट्राज रेट्सिंग थियोरी रिस्क फ्री तो चाहिए ही चाहिए उसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स है उस पर मेरा ये शेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है दैट विल ऑल्सो बी सीन तो एक तो भाई मार्केट के का जो रिएक्शन है वो लो जो सीएपीएम का है वो तो लो प्लस उसके अलावा और क्या जैसे यहाँ पे लिखा है बीटा टू जीडीपी तो अभी से फॉर एग्जाम्पल जीडीपी एक्सपेक्टेड था आ, हम लोग का जीडीपी एक्सपेक्टेड रेट एक होता है से 6 और एक्चुअल में जीडीपी बढ़ा है सेवन परसेंट से सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर माई कंपनी तो वन परसेंट से ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा इन्वेस्टर का सो दिस विल इंक्रीज बाय वन

और एक्चुअल में भी सिक्स परसेंट से जीडीपी बढ़ा तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही नहीं ना कोई शेयर रिएक्ट करेगा बिकॉज जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ बट इट इज ओनली वेन एक्सपेक्टेड में डिफरेंस है ना दैट विल दैटैक्ट समझा फिर और एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल ठीक है अब इन्फ्लेशन का नंबर एक्सपेक्टेड था से थ्री परसेंट बट इन्फ्लेशन है फाइव परसेंट का तो कैन आई से टू परसेंट से इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ अब मैं मेरे शेयर का देखूंगा कि भाई उसका क्या इंपैक्ट आता है इन जनरल इन्फ्लेशन के साथ वो मेरा बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा ऑलराइट अब मैं आप लोगों को एक एक्साम्पल सम भी करवाऊंगा सो उससे आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगा लेट्स रीड दिस फ्रॉम द नोट द एपीटी इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज जनरेटेड बाय द मॉडल बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर अंडर सीएपीएम सिंगल फैक्टर को चाहिए बीटा वन इन टू आरपी वन सो बीटा फैक्टर विच इम्पैक्ट द स्टॉक तो एक से मार्केट वाला जो बीटा है वो ले लिया मैंने एक मैंने ले लिया जी डी पी का एक मैंने ले लिया इन्फ्लेशन और एक मैंने ले लिया इंटरेस्ट That will be multiplied by what actual returns minus expected returns. Market will react only when there is a difference between actual and expected. theek hai At times it is positive, at times it is negative. jo bhi hoga wo idhar plus minus mein reflect ho jayega तो मुझे लग रहा था GDP 8% से बढ़ेगा, but only 6% से बढ़ा तो 6 minus 8 minus 2 हो गया ये तो कि GDP का भाई मेरे को 8% था अभी 2% कम है, so उतना मेरे लिए एक दिग, degrade हो जाएगा एक expected return. क्लियर। अब जैसा मैंने बोला आप लोगों को एक सम सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले अगर यहाँ पे अपने को के टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा आर्बिट्राज प्राइजिंग थियोरी इज लाइक अल्टरनेटिव टू कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल क्यों अल्टरनेटिव बना है बिकॉज कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर फोकस्ड है बट आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी क्या है वो बताता है एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन वॉट रिस्क फ्री रिटर्न वो बोलता है रिस्क फ्री तो चाहिए ही प्लस अलग अलग जो मेरे बीटाज है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर इसको ऐसा बोल सकते हो राइट या फिर इसको फैक्टर वन फैक्टर टू फैक्टर थ्री फैक्टर फोर ऐसा भी बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय सही ये मेरा जो फैक्टर टू है ठीक है उसका इंपैक्ट क्या है वो कैसे पता चलेगा एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड क्या हुआ है दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम टू सो एक्चुअल इन्फ्लेशन था सिक्स परसेंट का सो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन था सिक्स परसेंट का एक्चुअल इन्फ्लेशन हुआ है से सिक्स एट के जगह पे से सिक्स परसेंट सो माइनस टू का यहां पे इंपैक्ट आएगा से फॉर एग्जाम्पल इधर आरपी थ्री है दैट इज फोकसिंग ऑन जी डी पी अपना एक्सपेक्टेशन था टेन परसेंट रियल में हुआ है थर्टीन परसेंट सो इधर आ जाएगा रिस्क प्रीमियम थ्री परसेंट का समझे तो ये रिस्क प्रीमियम इनटू जो बीटा फैक्टर है तो जी डी बी थ्री जी डी पी रिलेटेड फैक्टर एपीटी मिल जाएगा उससे मुझे एपीटी मिल जाएगा रिस्क फ्री प्लस जो भी फैक्टर है ठीक है जो भी फैक्टर है जो भी फैक्टर है वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड

अब निर्मल कुमार एज एस्टिमेटेड वेट्स ऑफ दीज अब उसने क्या बोला है कि उसके फैक्टर तीन है एक बीटा का फैक्टर है जो अपना प्रॉपर मार्केट का जो निफ्टी का फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर का नाम दिया है इसने इन्फ्लेशन और इनका रिटर्न रिस्क प्रीमियम देखो सिक्स पॉइंट एट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव सिक्स फाइव परसेंट सो रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी उसने दे दिया रिस्क प्रीमियम क्या होता है एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड सो वो मेरे को यहां पे उन्होंने ऑलरेडी दे दिया अब मेरे को फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप का रिटर्न फाइंड करना एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग आर्बिट्राज प्राइजिंग थियोरी तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले रिस्क फ्री लूंगा क्वेश्चन में देखो रिस्क फ्री दिया हुआ है 4.5 4.5 प्लस पहला बीटा क्या है पहला है जीरो पॉइंट एट इंटू सिक्स एट फाइव उसका रिस्क प्रीमियम ठीक है ना सेकेंड बीटा क्या है वन पॉइंट थ्री नाइन तो जो स्मॉल कैप ग्रोथ है उसका से बुक प्राइस अगर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है या इन्फ्लेशन भी है जैसे वन पॉइंट थ्री फाइव तो इन्फ्लेशन अगर वन से बढ़ता है तो मेरा स्मॉल कैप ग्रोथ वन पॉइंट थ्री फाइव बढ़ेगा बुक प्राइस में अगर कुछ चेंज होता है तो मेरा जो स्मॉल कैप ग्रोथ वाला स्टॉक है वो 1.39 टाइम्स टाइम से इंपैक्ट होगा अब हुआ क्या है पे 3.5 परसेंटेज से गिर गया है, तो इनटू माइनस थ्री और वैसे ही यहाँ पे से इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का जो भी इंपैक्ट आएगा मेरे शेयर के ऊपर वन टाइम्स उसका इंपैक्ट आता है तो वन पॉइंट कितना इंपैक्ट है एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड विच इजरो पॉइंट सिक्स फाइव जो उसने क्वेश्चन में दिया है इस सबको मैं ऐड कर दूंगा मुझे मिल जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी क्लियर एवरीबॉडी और यही अगर मैं मेरा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को देखता हूं तो वो क्या है वो तो एकदम सिंपल है आर एफ प्लस बीटा इन टू आर एम माइनस आर एफ अच्छा भाई आर एफ कितना है वो तो फोर पॉइंट फाइव का बीटा यहाँ पे उसका दिया हुआ है उसने जीरो पॉइंट एट इन आर एम क्वेश्चन में दिया होगा वो अपन लोग देख लेंगे माइनस जो इधर फोर पॉइंट फाइव है सो ये देखो इधर आर एम दिया हुआ है क्या कितना दिया हुआ है लेट्स लेट्स सी लेट सी ये रहा ये लोग ने इधर सीधा रिस्क प्रीमियम ही दे दिया है सिक्स पॉइंट एट फाइव सो ये जीरो पॉइंट एट

अब स्मॉल कैप ग्रोथ और मार्केट का क्या कनेक्शन है 0.8 का तो मार्केट अगर 6.85 से बढ़ा तो अपना स्टॉक कितने से बढ़ेगा 0.8 5.48 से प्लस मेरे को जो मिनिमम रिस्क चाहिए 4.5 तो 9.98 इधर तुम लोगों को आंसर दिख जाएगा इधर मेरे बुक में भी है इसका क्वेश्चन का आंसर तो इधर उधर ऑन द स्पॉट नीचे नीचे ही दिख जाएगा वेट मैं शो यू सो so, इधर निर्मल कुमार इन द बुक ये रहा सो so, ये देखो ये ही अगर मैं मेरा 9.98 अगर मैं मेरा सीएपीएम से निकालता हूं तो सीएपीएम क्या बोलता है भाई मार्केट 6.85 रिटर्न दे रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम तेरा स्टॉक कितना देगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरा स्टॉक मार्केट के कनेक्शन में पॉइंट का उसका मूवमेंट है तो उतना रिटर्न देगा प्लस रिस्क फ्री जो चाहिए वो तो चाहिए तो ये CAPM वाला हो गया और जो मेरा एपीटी वाला है वो पूरा डिटेल वाला आएगा उसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है पॉजिटिव फैक्टर्स भी है सबको कंसिडर करके अप्रोक्सिमेटली फाइव परसेंट आ रहा है क्लियर एवरीबॉडी तो इसको कहते हैं पूरा का पूरा जी हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज प्राइजिंग थियोरी आर एफ प्लस मल्टी फैक्टर जो भी है बीटा बीटा ऑफ बुक प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन जीडीपी मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या है रिस्क प्रीमियम जो हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो नहीं भी दिया हो तो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो मेरे शेयर का उस पर्टिकुलर फैक्टर से कितना आ है वो वो बीटा से पता चलेगा फिर जीडीपी के थ्रू इतना आ रहा है वो उस बीटा थ्री से पता चलेगा बीटा टू से बीटा फोर से पता चलेगा एंड दैट्स हाउ वी विल डू द कैलकुलेशंस जी हाँ इसी के साथ होता है यार ट्रांस प्राइसिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला डेरिवेशन प्लस प्रैक्टिकल सब, और वो भी आईसीआई मॉड्यूल का ही प्रैक्टिकल सब. डन एंड डस्टेड आया तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व ओके okay, कैसा लगा आपको ये सेशन डू लेट मी नो एंड डू लाइक द वीडियो इफ इफ यू हैव एंजॉयड इट और आपको पर्टिकुलरली कोई और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ चाहिए तो भी बताना कमेंट में आई विल गिव इट बाकी ये प्लेलिस्ट को फॉलो करो तो तुम लोग को और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे जो आपको शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन मिलते हैं कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच टेक केयर बाय